देखिए, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, यहाँ यूट्यूब पर है, ये देख सकते हैं आपके ये पेपर सर टाइम पर होगा या नहीं, ये बार बार पूछा जा रहा है कि पेपर होगा या नहीं। दूसरी एक ये भी प्रॉब्लम आई है कि जो गेस्ट फैकल्टी वाले उनको कहा जा रहा है कि आप अप्लाई मत कीजिए, पेपर नहीं होगा। तो एक छोटा सा एविडेंस, छोटा नहीं है वैसे, बड़ा एविडेंस है कि पेपर होगा। ये जो प्रिंसिपल्स की पोस्ट की फॉर्मल प्रोसीजर शुरू हो चुका है, पीपीएससी के पास ऑलरेडी फाइल पहुंच चुकी है, अभी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, उसकी प्रोसीजर भी शुरू हो जाएगा। तो उसमें एक लाइन ये लिखी हुई है, तजर्बा ते ये पहले बताया हुआ है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रिंसिपल की कैंडिडेट्स जो पोस्ट खाली पड़ी हैं उनके लिए जो फाइल है वो पीपीएससी के ऑफिस को भेज दी गई है। तजर्बा और जो जो एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन के बेस पर जो कैंडिडेट हैं उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि अपनी तैयारी रखें ताकि कॉलेजेस को अच्छे प्रिंसिपल्स मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये लाइन इसको बड़ा कर दूँ, ये लाइन पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। डिपार्टमेंट की तरफ से विभाग वालों पहला ही सहायक प्रोफेसर दी भर्ती का इश्तेहार जारी कर दिता गया है। हिंदी में डिपार्टमेंट की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन का जो एडवर्टाइजमेंट है ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है, और उस दी प्रीख्या दे प्रबंध भी मुकम्मल कर ले गए हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइबन की जो एग्जामिनेशन होना है, सिलेक्शन टेस्ट होना है, वो उसकी पूरी प्रेपरेशन हो चुकी है, आपके पेपर छप चुके हैं, प्रोसीजर हो चुका है पूरा। तो ये इन्फॉर्मेशन लिखा है कृष्ण कुमार जी, 71 उचेरी सिक्ख्या, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। तो दैट इज व्हाई डोंट डीमोटिवेट योर सेल्फ बाय लिसनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज, ह्यूमरस और र्यूमरस जो है, जो गेस्ट फैकल्टी वाले हैं, जहाँ रिट का खबर सुनते हो आप, ऐसा कुछ भी, तो इलेक्शन की कोई खबर सुनते हो, कोई भी न्यूज़ सुन के अपने आप को डिस्करेज मत करो, डीमोटिवेट, लगातार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एनालाइज करते रहो, रिफ्लेक्टिव वे से पढ़ते रहो, स्ट्रेटजीज को यूज करो। आगे बताऊंगा कुछ स्ट्रेटजीज हैं, तो वो स्ट्रेटजी अगर आपको लगे आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं लगे तो नहीं करना जी।